न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। तो क्या यूपी से रोमियो भाग गए हैं योगी के डर से? 19 मार्च को सीएम योगी ने शपथ के बाद से यूपी में सपने का रामराज जलाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें शुरू की। आज एक महीना हो गया है, इसके बाद योगी के उन्हीं फैसलों और कामकाज पर यूपी की जनता बेहद खुश नजर आ रही है। योगी के इन्हीं फैसलों से एंटी रोमियो दस्ते की खूब चर्चा हो रही है। यूपी की गद्दी पर योगी के बैठते ही सड़क पर मनचलों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। सरेराह लड़कियों को छेड़ने वाले और फप्तियां कसने वाले कहीं भागते दिख रहे थे तो कहीं उठक बैठक करते नजर आ रहे थे। कहीं पकड़े जाने पर माफी मांग रहे थे तो कहीं पुलिस वालों के सामने सफाई दे रहे थे। कहीं सादी वर्दी में तैनात पुलिस वाले एक्शन में थे तो कहीं पुलिस की टीम पार्कों, होटलों और स्कूल कॉलेज के बाहर एक्शन में थी। ये असर था योगी आदित्यनाथ के उस फैसले का, जिसके तहत स्कूल कॉलेज, बाजार और बस ऑटो स्टैंड के आसपास रोड रोमियो की निगरानी के लिए दस्ते बने थे। 30 दिन गुजरते गुजरते ये हालत हो गई कि अब सड़क छाप मजनू वो रास्ते भूल गए जहां खड़े होकर लड़कियां छेड़ा करते थे। मनचले अब सरेआम छेड़खानी करते पकड़े जाते हैं तो पुलिस के पहुंचने से पहले पब्लिक उनका ये हाल कर देती है। सीएम योगी की ये पहल इतनी कामयाब रही कि एक सर्वे के मुताबिक यूपी की महिलाओं ने एंटी रोमियो स्क्वाड को योगी के फैसलों में सबसे ज्यादा पसंद किया। इस सर्वे के मुताबिक योगी के चार बड़े फैसलों में महिलाओं ने एंटी रोमियो की पहल को सबसे ज्यादा सराहा और 37% पसंदीदा वोट एंटी रोमियो के कदम को दिया, जबकि सर्वे में शामिल 25% से ज्यादा लोगों ने एंटी रोमियो के फैसले को पहली पसंद बताया। रोड पर जो मतलब लड़के लोग लड़कियों के साथ बदतमीजी करते दिखाई देते थे वो आजकल बहुत ना के बराबर ही है। शुरुआत रामराज की है। सीएम योगी के फैसले से महिलाओं और लड़कियों को ही नहीं उनके अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिली है, जो घर की बहू बेटियों के सड़क पर निकलने के बाद फिक्रमंद रहा करते थे। योगी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ये एंटी रोमियो वाला किया है वो भी बेटर है। हम लोग तो बहुत सेफ समझ रहे हैं अपने आप को। जो लड़कियों के लिए उन्होंने किया है उससे लड़कियां काफी सेफ महसूस कर रही हैं। चलते फिरते सब छेड़ते थे, उन सब पे तो लगाम लगी है। जब से एंटी रोमियो निकला है अब हम लोग अपने आप को बहुत ही सेफ समझते हैं, बहुत सेफ फील कर रही हैं। ईव टीजिंग बंद हो रही है। योगी सरकार के एक महीने पूरे होने के बाद न्यूज नेशन ने पूरे यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड के काम करने के तौर तरीकों और लड़कियों महिलाओं को मिली राहत की पड़ताल की है, जिसमें हम दिखाएंगे राजधानी लखनऊ से लेकर सीएम योगी के गोरखपुर तक एंटी रोमियो स्क्वाड की रिपोर्ट, इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक कितनी मिली महिलाओं और लड़कियों को राहत, आगरा से लेकर मथुरा तक कैसे बंद हो गई है सड़कों पर छेड़खानी। योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड के असर पर आगे हम दिखाने वाले हैं यूपी की रोमियो रिपोर्ट। टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों और सड़क बाजार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीएम योगी ने ऑपरेशन एंटी रोमियो शुरू करने का फरमान जारी किया था। 4 हफ्ते के अभियान में ही आज ये हालात है कि सड़क छाप मजनू ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। लखनऊ की बात कर रहे हैं। सड़क छाप मजनुओं की निगरानी और धरपकड़ की तस्वीरें लखनऊ की हैं। पिछले महीने एक मॉल पर पुलिस के एक्शन की ये तस्वीरें देखिए। ये शुरुआत थी लखनऊ में एंटी रोमियो स्क्वाड के ऑपरेशन की। पुलिस की टीम घूम घूम कर मॉल्स और बाजार में शोहदों की पहचान कर रही थी, उनकी तस्दीक कर रही थी और फिर संतुष्ट होने के बाद ही छोड़ रही थी। योगी सरकार के एक महीना पूरा होते होते लखनऊ की सड़कों से रोड रोमियो लापता हो गए। अब स्कूल कॉलेजों के आगे सड़क छाप मजनू नजर नहीं आते। अभी इस वक्त हम लखनऊ के एक बड़े शॉपिंग मॉल्स पर खड़े हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में फैमिली के लोग आते हैं, छात्राएं आती हैं, महिलाएं आती हैं, लेकिन पुलिस की कोई गश्त यहाँ पर फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। आपने सुना होगा कि सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है जो लड़कियों से छेड़खानी करने वालों को पकड़ रहे थे। अभी आपको ऐसा कुछ दिखता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिस कहीं घूम रही हो, पेट्रोलिंग कर रही हो? हाँ, थोड़ा बहुत तो है स्कूल्स के बाहर, और वैसे मतलब इतना नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत है। पहले से ज़्यादा सेफ हैं अब? हाँ। स्कूलों के स्कूल जाती हूँ, पुलिस दिखती है स्कूल के आसपास? जी। तो मतलब कुछ हालात में चेंज आया है? जी जी। हम इस वक्त लखनऊ के सबसे व्यस्त माने जाने वाले चौराहों में से एक सिकंदरबाग चौराहे पर हैं, जहाँ पर कॉलेज की लड़कियाँ अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद घर जाने के लिए चौराहे पर आती हैं बस पकड़ने के लिए, और अक्सर यहाँ छेड़खानी की खबरें पहले आती रही हैं। लेकिन अब क्या हालात हैं ये हम इन छात्राओं से खुद ही जानेंगे।
सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, तो पहले तो पुलिस बहुत सक्रिय थी, क्या आप पुलिस अभी भी सक्रिय है? जी है, पर अभी थोड़ा कम, पहले ज्यादा थी। इस चौराहे पर क्या पुलिस कभी दिखती है? दिखती है, लेकिन कभी कभी दिखती है। पहले था और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, अभी भी होना चाहिए। तो बहुत कम हो गया है, बहुत ही ज्यादा कम हो गया। पहले बहुत लड़के आवारा खड़े रहते थे, अब तो कोई एकदम बस कॉलेज के बच्चे ही मिलते हैं। और कोई पुलिस अब दिखती है क्या कॉलेज के पास? हाँ, कभी कभार मिलती है, पर शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा थे, अब से थोड़ा थोड़ा कम हो गया, तो पुलिस भी थोड़ा कम ही हो गई है। दरअसल योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड ने शुरुआत में ही इतनी सख्ती से अभियान चलाया कि सड़कों पर छेड़खानी की घटना अचानक से कम हो गई। अब सड़क पर एंटी रोमियो टीम नजर कम भले ही आ रही हो, लेकिन निगरानी बरकरार है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और आगरा तक का इलाका लव जिहाद का मुद्दा यहां कभी बेहद गर्म रह चुका है। एंटी रोमियो स्क्वाड की बुनियाद एक तरीके से इसी इलाके की घटनाओं को लेकर पड़ी थी। इस इलाके के हाल क्या है यह जानना जरूरी है। आगरा शहर में अब लड़कियों को डर नहीं लगता है। दिन दोपहर बाजार हो या सुबह शाम कॉलेज स्कूल, आगरा में एंटी रोमियो अभियान के बाद लड़कियों को बेहद सुकून मिला है। हम आज पहुंचे हैं आगरा के आगरा कॉलेज में, जहां हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं यार, इस अभियान का कितना असर दिखाई दे रहा है। जब आते थे तो कमेंट मिलते थे, अब थोड़े कम हुए हैं और ज़्यादा नहीं लोग दिखते सड़कों पे लड़के वगैरह। पहले ज़्यादा लड़के छेड़ा करते थे, अब कम लड़के छेड़ा करते हैं, लेकिन अभी भी है, ये नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया हो। जब निकलते थे घर से तो चिंता रहती थी पेरेंट्स को, और वो 10 बार सोचते थे कि हमारी लड़की रास्ते में सही होगी या नहीं होगी, वो पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी। और जब तक हम घर नहीं आते थे वो टेंशन में ही रहते थे, अब उनकी ये टेंशन भी कम हो गई है। मार्केट में भी गए तो भाई को लेके जाना पड़ता था या पापा को लेके जाना पड़ता था, बट ऐसा अब कुछ नहीं है, अब तो अकेले भी जा सकते हैं। आगरा कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हो या दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं या कारोबार संभालने वाली औरतें, इनका मानना है कि घर से बाहर हालात बेहद सुधरे हैं। पहले होता था सिग्नल पे हम लोग खड़े हुए हैं एक्टिवा पे, तो कभी कोई छेड़ रहा है, कभी कोई कमेंट्स कर रहा है, वो कोई चीज़ नहीं होती है। अब हर जगह पुलिस है, गाड़ियां हमें हर जगह दिखती हैं उनकी। पहले से तो बहुत ज़्यादा सही है। हालांकि एंटी रोमियो अभियान की चौकसी इतनी सख्त हो गई है कि आगरा की कुछ लड़कियों को अपने घर के सदस्यों के साथ निकलने में भी डर लगता है। हम अपने भाई के साथ है, अपने फ्रेंड के साथ है, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ पुलिस ये समझती है कि वो हमारा बॉयफ्रेंड है या हमें छेड़ रहा है। अगर हम अपने फ्रेंड के साथ खड़े हैं तो वो चीज़ कभी कभी ये समझ जाते हैं कि नहीं ये इनको छेड़ रहा है, ये है वो है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक बात है, लेकिन हम लोग जैसे बाहर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, लेकिन वो कभी कभार हमें गलत समझ लेते हैं, उनको ये लगता है कि ये लोग इन्हें छेड़ रहे हैं, उस वजह से हम लोगों को कभी प्रॉब्लम भी होती है। मेरठ कॉलेज और उसके बाहर हमेशा पुलिस, कोई भी कॉलेज हो मेरठ का, वहाँ इसी तरीके से पुलिस तैनात है। अब जो कहते थे कि लड़कों के हजूम, जो लड़कियों को आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, वो कहीं दिखाई नहीं देती है। जितने भी कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, सबका मानना है कि बदलाव आया है। बहुत रिलीफ है, पहले जैसे बदतमीजियाँ होती थी वो नहीं होती हैं, और काफ़ी मतलब जैसे बॉयज कमेंट्स करते थे वो चीज़ नहीं है सुनने को मिल रही है। पहले ये था हाँ कि बॉयज़ को लेके कि भाई आते हैं कमेंट करते हैं, वो चीज़ें नहीं है, अब पहले से बहुत बेटर है, बहुत ही बढ़िया हुआ, और आगे भी चलता रहे जैसे कि ये कर रहे हैं तो अच्छा है। वो ठीक काम कर रहा है, उससे लड़कियों को सेफ्टी मिल रही है और लड़कियां कहीं भी आ सकती है, आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी सकती है। एंटी रोमियो आपकी नज़र में सही काम कर रहा है? बिल्कुल सही काम कर रहा है। छेड़खानी कम हुई है, टीजिंग कम हुई है, कुल मिलाकर जो माहौल है वो बिल्कुल कूल यहाँ नज़र आता है। और शायद एक महीने में ये असर ही है कि छात्राओं में विश्वास तो जगा है। मेरठ से लेकर आगरा तक अलग अलग वर्ग की महिलाओं और लड़कियों से बातचीत से यही पता चलता है कि सीएम योगी का एंटी रोमियो अभियान महिला सुरक्षा की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम। आगरा से विनीत दुबे के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ। और सीएम योगी के इलाके गोरखपुर में आपको लिए चलते हैं। गोरखपुर में एंटी रोमियो अभियान के एक महीने बाद कितने बदले हैं हालात, सड़क पर कितनी महफूज महसूस करती हैं लड़कियां। एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या असर ये जानते हैं। यहाँ पे ये विद्यालय है, कार्मेल स्कूल है गोरखपुर का। बच्चों से बात करते हैं, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8th। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ था तो आप लोगों के पास आए थे, अधिकारी लोग आए थे, मिले थे। अभी कुछ सुरक्षा दिख रही है आप लोगों को यहाँ पे? हाँ, हाँ। क्या
यहाँ पे अब ज्यादा भैया लोग नहीं घूमते हैं, यहाँ पे बाइक्स कम आती हैं। कभी कभी रोड पे वो लोग घूमते हैं भैया लोग, जो निकलते हैं तो हाँ। पुलिस लगी रहती है लाइन से, तो हम लोग को सुरक्षा फील होती है। अभी पुलिस वाले दिखते हैं कि आपको एक महीने बाद? हाँ, यहाँ लाइन से आगे जाते तो भी हम लोग को दिखते हैं। स्कूल की बच्चियों से बातचीत से एंटी रोमियो स्क्वाड के अच्छे असर का पता तो चला, लेकिन स्कूल की छुट्टी के वक्त पुलिस की टीम वहाँ नजर नहीं आई। आप अपने बच्चों को सेफ फील करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 12th। ये बताओ, जिस दिन एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ था, बड़े अधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, आप लोगों को भरोसा भी दिलाया था, अभी क्या स्थिति बदल गई है? यहाँ पे जो बाहर के लड़के आते थे वो सब आ रहे हैं? नहीं, कम हो गए। अंकल पहले बहुत आते थे, बहुत बदतमीजी होती थी ऑटो के पास भी, अब जब से योगी जी का वो हुआ है तब से बहुत कम हो गए हैं। आप किस क्लास में हो? हम 7th में। आपको अंकल दिखते हैं पुलिस वाले अंकल यहाँ पे? हाँ कभी कभी, एक दो। पुलिस टीम की कम मौजूदगी के सवाल पर गोरखपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड के प्रभारी कहती हैं कि टीम के लोग सादी वर्दी में अब भी मौजूद रहते हैं। ये शहर शहर में तो एक पूरा जो स्क्वाड, दो टीमें बताई थी, वो पूरे शहर के एरिया में एक्टिव है। बाकी हर एक थाने में भी 2 से 3 लोगों की टीमें हर एक थानाध्यक्ष अपने तरफ से भी चला रहे हैं, क्योंकि थाने थाने जाकर और इंटीरियर एरिया में जाकर टीम हर रोज नई कार्रवाई कर सकती है, तो कभी कभी जाती है। बहरहाल एक महीने के बाद योगी सरकार का एंटी रोमियो ऑपरेशन कामयाब होता दिखा है, जरूरत है इसे बरकरार रखने की। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत स्कूल, कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। इनमें महिलाएं भी होती हैं, इसमें पुरुष पुलिसकर्मी भी होते हैं, और इसलिए कई जगह पर एंटी रोमियो स्क्वाड की मौजूदगी दिखती नहीं है, लेकिन छेड़खानी करने वालों को यह जरूर पता है कि उन पर नजर है। पीएम मोदी के संसदीय इलाके वाराणसी में भी एंटी रोमियो अभियान का अच्छा असर दिखा है। यहाँ स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर उनके माता पिता तक खुश हैं। क्या कुछ बदलाव आया है लड़कियों की जिंदगी में, कितना वो सुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं। पहले जो राह चलती लड़कियों को लेकर रिस्क रहता था, अब वो रिस्क नहीं, अब लोग छेड़ते भी है तो छेड़ने के बाद थोड़ा एक दूसरे को समझाते हैं कि अरे एंटी रोमियो चालू है, ध्यान रखो, तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है। लड़कियां सेफ महसूस कर रही हैं और हम लोग भी जो सेफ्टी से मार्केट में घूम रहे हैं, क्योंकि अब लड़कों के अंदर ये भय पैदा हो गया कि एंटी रोमियो चार्ट है। पहले क्या था और आप कितनी सुरक्षित हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो पहले बहुत डर लगता था, क्योंकि कोई भी राह चलते छेड़ देता था, पर अब जब हम लोग स्कूल जाते हैं बहुत सेफ फील करते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगी पहले से बहुत सुरक्षित है। पहले से तो अच्छा है, बेहतर है, सब डरने लगे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है कि लड़के सीधे चल रहे आराम से, तो काफ़ी फ्री है और सही भी है एक तरफ से। धन्यवाद देना चाहेंगे योगी जी को कि उन्होंने हमारी लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं हमेशा उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। इस समय मैं कानपुर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज दयानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लड़कियाँ हैं, बताइए आप यहीं पढ़ती हैं? यस सर। ये बताइए कि एंटी रोमियो दल जो बना था उसका असर आपको अब दिख रहा है? बिल्कुल सर, दिख रहा है। अब लोग इस तरीके से कपलवाइज भी नहीं दिखते हैं, और जिस तरह से लड़के हरकतें करते थे, परेशान करते थे लड़कों को, वो भी नहीं दिख रहा है, वो भी बंद हो गया है। अभी वो पुलिस स्क्वाड हमेशा यहाँ पर रहती है, उसका बेनिफिट तो हम ही लोगों को मिलेगा ही, है ना। तो लड़कियों के लिए ये जो भी योगी जी ने किया वो बहुत बेटर किया है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों के लिए जो अनकंफर्टेबल फील करती हैं, जो हैरेस्ड हो जाती हैं, ना कि अगर कोई लड़की कंफर्टेबल फील करे फिर भी आप जबरदस्ती उसको पकड़ के पीट रहे हो, उसके मतलब साथ में जो फ्रेंड है उसको परेशान करे, तो ये कोई बात नहीं है। परसों देखा था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्हीं को पकड़ लिया ये कह के कि आप प्रेमी प्रेमिका हैं। तो थोड़ा सा रिफाइंड वे में काम करना चाहिए, सोच समझ के कि कौन लोग सच्चाई में साथ में हैं और कौन लोग इन चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड कितना कारगर रहा है और इसका लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा में कितना फायदा हो रहा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं और लड़कियां बता रही हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर बता दें कि महज एक महीने में कानपुर में 4000 से ज्यादा रोड रोमियो को पुलिस ने पकड़कर नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। उन 149 हॉटस्पॉट्स पे तकरीबन 4046 लड़कों को जो है पूछताछ के लिए लाया गया था। इसमें तकरीबन 2596 लड़कों को काउंसलिंग के बाद में चेतावनी दे के छोड़ा गया, उनके परिवारजनों को बुला करके। यूपी पुलिस का एंटी रोमियो अभियान लगातार जारी है। हालांकि कई जगह लड़कियों की शिकायत ये रही है कि सड़क पर पुलिस के लोग पहले की तुलना में अब कम दिख रहे हैं। कानपुर से अमित सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी।
वैसे यूपी से रोमियो भाग गए हैं, ये एक सही कदम हो सकता है, पर क्या इस अभियान से छेड़खानी की घटना पर रोक लगाने में कामयाबी मिल रही है? पर इसके नाम पर कुछ लोग मनमानी करते दिख रहे हैं। हालांकि योगी सरकार ने पुलिस को साफ निर्देश दिया है कि बालिग और सहमति से घूम रहे जोड़ों को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या ये निर्देश माना जा रहा है? यूपी के फतेहपुर में सड़क पर ये भीड़ का इंसाफ है। जिले के पथरकटा चौराहे पर भीड़ के बीच एक युवक पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात हो रही थी। आरोप था कि इस युवक ने कोचिंग से आ रही लड़की से छेड़खानी की थी। ये लड़की पढ़ के जा रही थी, तो लड़का ने उनको छेड़ा और भड्डी भड्डी गाली देने लगा और मार पीट मारने लगे पब्लिक, तो भाग गया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक लोगों ने इस लड़के को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। जब पुलिस आई तभी इस युवक की जान बच सकी। हाँ, कहाँ से आई है? कौन सी जगह में? किस मोहल्ले के पास है? पिताजी का क्या नाम है? जोर से बोल। भाई का क्या नाम है? और बहन है कोई? घर में जबरन घुसकर लड़के लड़की से पूछताछ की ये तस्वीरें मेरठ की है। जितना बोल रहा हूँ उतना बोलता रहिए। तेरा नाम क्या है? तेरे बाप का क्या नाम है? जोर से बोल। तेरे भाइयों का नाम? भाई नहीं, मैं अकेला है। है कोई? क्या नाम है? एंटी रोमियो अभियान की आड़ में मेरठ के हिंदू युवा वाहिनी के लोग एक ऐसे घर में जा घुसे थे जहां किराए के कमरे में एक लड़का और एक लड़की मौजूद थे। हिंदू युवा वाहिनी के लोगों का आरोप था कि लड़का और लड़की दोनों अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा इनका एक कमरे में मिलना या पाया जाना आपत्तिजनक है। इस लड़के ने ये कहा कि मैं इस लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के लिए अपने साथ लाया हूँ और मैंने इसे अपने जो प्रेम जाल में फंसाया वो इसलिए फंसाया ताकि मैं इसका धर्म परिवर्तन करा सकूं। इन लोगों के दबाव की वजह से पुलिस ने लड़के को अश्लीलता फैलाने के जुर्म में जेल भेज दिया और लड़की को उसके घर वालों को सौंप दिया। लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की सख्ती का बढ़िया असर यूपी के शाहजहांपुर जिले में देखने को मिला। इस जिले के अलग अलग थानों में 2016 से ही 39 लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज थे, लेकिन लड़कियों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार योगी सरकार के आने के बाद एसपी ने सभी 5 अधिकारियों को लाइन में बुला लिया और उन्हें सस्पेंड करने की चेतावनी भी दी। तब जाकर 72 घंटे के अंदर 39 में से 27 लड़कियों को चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली से ढूंढ लिया गया। सब इंस्पेक्टर्स जो मुकदमों के विवेचक थे उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद में उनके कारण देखते हुए जिन्होंने सार्थक प्रयास नहीं किए थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। उनको टास्क दिया गया कि लाइन में तब तक रहोगे जब तक लड़की बरामद नहीं होगी। पुलिस का दावा है कि बाकी 12 लड़कियों को भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। वैसे एक अच्छी पहल है, इसके साइड इफेक्ट्स ना हो तो ही बेहतर है। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsnation.in और बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।